हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम इस रेसिपी को इस सूजी के साथ बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी ये रेसिपी और इंस्टेंट बन भी जाती है, बच्चे की तो फेवरेट है। बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल, इसमें हम ये डाल देंगे आधा कटोरी सूजी, साथ ही हम डालेंगे ये एक कटोरी मैदा है। कोई भी घर का आप कप या कटोरी सेट कर ले, उसी से सारा सामान आप लें। और हम डाल देंगे चीनी, चीनी मैंने आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा लिया है और एक कटोरी से थोड़ा कम, आप जैसा मीठा खाते हो उस टाइप से आप ले लो। तो इस सब चीज़ को हम मिला लेते हैं और इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट, तो ये है काजू और ये है बादाम। तो इसे हम बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। तो लीजिए भाई, काजू बादाम भी हमारे कट चुके हैं तो इसमें हम ये भी मिला देते हैं। आप अपने जो आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप ड्राई फ्रूट बदल सकते हो। मैंने काजू बादाम यूज किया, आप अपने अनुसार कर लो जो भी आपको पसंद हो। तो इन सारी चीजों को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों और बहुत जल्दी बन जाती है, सबको पसंद आती है। तो इस फेस्टिवल ये रेसिपी आपने नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया। तो इसे हम एक बैटर तैयार करेंगे दूध के साथ, बहुत ही यमी लगती है दूध के साथ। तो आप कोशिश करें कि दूध से ही इसका बैटर बनाए, बहुत ही मस्त सा स्वाद आएगा। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मिलाते हैं, एक साथ बिल्कुल ना डालें, लम्स पड़ जाएंगे। तो बढ़िया से इसे हम मिला लेंगे। तो दोस्तों, इस बैटर को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। इसमें मैंने खड़ा चीनी का यूज किया है, अगर आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी डाल सकते हो। तो इसे जितना आप अच्छे से फेंटोगे तो ये रेसिपी बहुत ही फ्लफी बनेगी, बहुत ही और ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी, अच्छी लगती है खाने में। तो इस टाइप की देखिए, हम गिरा रहे हैं तो ऐसा रिवन सा बन रहा है, ऐसा ही हमें बैटर चाहिए। तो इतना दूध बच चुका है फ्रेंड, मैंने एक ग्लास दूध दिया था, इतना दूध बच चुका है। तो और भी अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे एक मिनट एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए। तो रेसिपी अच्छी लग रही है दोस्तों, एक लाइक फटाफट से कर दे। मैंने इसे एक मिनट बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है, तो बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे कम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे कि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में ऑयल डाला है, ऑयल बहुत अच्छे से हीट आने लगी है। तो हम इसे इस चम्मच से, एक बड़े से चम्मच ले लीजिएगा आप, इस बैटर को हम एक चम्मच ले लेंगे। और इस कढ़ाई में हम डालते जाएंगे बिल्कुल इस तरह, आप देखिएगा फ्रेंड, आपको इसे बनाने में भी बहुत मजा आएगा। तो इसे अपने आप ऊपर आने देखते हैं हम। वाओ, देख सकते हो कितनी गुब्बारे की तरह फूल गई, जैसे लग रही है पूड़ी है अपने आप। तो इसे हम पलट लेते हैं, बहुत मस्त लगती है दोस्तों, एक बार बनाना तो बनता है, एकदम फूली फूली। इसे हम पलट लेते हैं अब कि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए कलर भी कितना मस्त सा आया है। तो देखिए फ्रेंड, मैं पास से दिखा दे रही हूँ, ये छोटे छोटे से इसमें जो बबल्स पड़े हैं इससे ये और भी फ्लफी हो गए, बहुत ही टेस्टी लगे। बिना सोडा बिना बेकिंग पाउडर के ये रेसिपी बहुत ही यमी बनती है। तो हम इसी तरह से और भी बना लेंगे, इसी टाइप से हम इसी कल बड़े चम्मच से लेते हुए फिर से बीच में डालते जाएंगे और इसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे, बस ये चम्मच लेंगे, हल्का हल्का ऑयल इस टाइप से हम डाल सकते हैं। देखिए
आपके सामने है, देखिए कितने गुब्बारे की तरह फूल गई है, लग रहा है कि नहीं ये पूरी है, लेकिन ये पूरी है ही नहीं, ये है सूजी की बिल्कुल नई रेसिपी, सूजी का पोहा भी आप इसे कह सकते हो। बड़ा मजा आ रहा है इसे बनाने में, तो इसे भी आप पलट देते हैं। गोलू मोलू से लग रहे हैं एकदम छोटे छोटे से। फाइनली बनके तैयार है हमारा सूजी का मस्त सा नाश्ता, बहुत ही यम्मी, देखिए कितनी फूली फूली एकदम फ्लफी है, एकदम मस्त ही है, इसका टेक्सचर देखिए वाओ, एकदम मुंह में पानी आ रहा है, जैसे लग रहा है मिठाई, देख सकते हो कितनी यमी है। तो इस फेस्टिवल इस रेसिपी को बनाना तो बनता है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, आपका अपना चैनल प्रिया लाइफस्टाइल बनारसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।